कर जियरे एक टेक तो धन। गुरु अंगद साहब जी के जीवन दे विचो सत संगत एक बड़ी प्यारी साखी मिलती। भाई हरिया जी मतलब वो ऐसे सिख सत संगत विश्वास गुरु के उपर अत का भरोसा बड़ा तगड़ा अकीदा। घर च गरीबी बड़ी, एक डंग मिलता दूजे डंग की सोच बनी रही, एक डंग खाते ने तो दूजा डंग सात संगत पानी पी के गुजार देने। अत की गरीबी अत पर भरोसा कायम, भरोसा हूँ। इस गरीबी की हालत के जीवन बसर हो रहे हैं। गुरु नानक साहब तो सीखी ली सी जी भाई हरिया जी ने, गुरु नानक साहब तो सीखी ली सी, दृढ़ की सीखी, गुरु नानक साहब की बाणी को दृढ़ किया। रोजाना जपजी साहब का पाठ, अमृत वेला नित किसी इनान कर बहना, भजन करना, सिमरन करना, क्योंकि गुरु नानक साहब ने डंका ही नाम का फेराया, सत नाम का चक्र फेराया। जिथे गुरु गए सच्चे नाम दे नाल जोड़िया, पखंड तो तोड़िया, वहमा तो तोड़िया, भरमा तो तोड़िया, सच दे नाल जोड़िया, सच दे। रोजाना अमृत वेले उठना, बंदगी करनी, सिमरन करना, ते टेक अपने सतगुरां उपर। गुरु अंगद साहब महाराज, गुरु नानक साहब पक्की टेक। घर च गरीबी बड़ी सी, मैनू बख्श लेना, मैं गल कह लगा, जो यो जी हालात आ जाए चंगा चंगा बंदा डोल जाता, चंगा चंगा बंदा थिड़क जाता है जी। घर च डंग ना होवे खाण लई, माया बड़ी वड्डी चीज है, माया बड़ी वड्डी चीज है, पर माया सब कुछ नहीं जी। आखो सतनाम, ठीक है, माया बिना गुजारा नहीं, माया की अपनी अहमियत है। ताही बाबा जी कहिंदे सन, सिख कोल बड़ी माया रजवी माया होवे, पर वो माया जेब तक रवे, हिरदे तक ना पहुंच जावे। आखो सतनाम, हिरदे तक ना। चंगे चंगे दे भरोसे डोल जांदे ने जदो सतसंगत घर दे च राशन ना हो, फिर कदे इधर कदे उधर भजदा फिरदा, कदे उधर भजदा फिरदा। इस हालात दे विच जीवन बसर हो रहा है, ते उन्हां दी इक कुड़ी सी, वो बच्ची नौजवान हो गई, व्याण जोगी हो गई बच्ची, घर च दाने नहीं, खाण जोगी सात संगत घर दे विच रोटी नहीं, ते हुण बच्ची दा व्याह करन। मां नूं फिकर है बहुत ज्यादा। भाई हरिया जी दी घरवाली ने बेनती की, कहिंदे साईं जी बच्ची दा व्याह करना किवें करी, घर च खाण जोगे दाने नहीं ने ते व्याह। वह कहिंदे भले मानसे करमा वाली है, क्यों फिक्र कर दी, गुरु आपे करणगे। आखो सतनाम, गुरु आपे करणगे। कहते जी वो तो करना गुरु नहीं है, गुरु वरतणगे, पर कुछ सोचना तो है ना। कहते भागावान ने छड़ दे, मेरिया सारिया आसा गुरु ते, ये मेरी धी नहीं, ये गुरु अंगद साहब की धी है। तो कदे माण नाल कह दिया करो, ये मेरी धी नहीं है, मेरे बाजा वाले की धी है। को सतनाम, बाजा वाले दे झाझे चढ़ा दे, अमृत छका दे। कई इस चीज नूं ना बड़ा घबराउंदे ने, पता नहीं क्यों जा वर मिलेगा जी, क्यों जा घर मिलेगा जी, यही गल है ना। ताही बच्चियां नूं कई बार अमृत नहीं छकाया जाता, पूछा जाता ना क्यों नहीं अमृत छका रहे जी, पता नहीं क्यों जा वर घर मिलेगा, अगे जाके छक ले। तो मैं बेनती करिया करना, मैं बेनती करिया करना, मैं क्या तुसी धी अपनी समझ रहे हो ना, तो फिक्र है ना। बाजा वाले दे हाथ विच, बाजा वाले दे कोल फड़ा दे ओ सात संगत अपनी बच्ची दी बांह, सच्चे पातशाह सांभ ये बच्ची तेरी। आखो सतनाम, बच्ची तेरी।
बाजा वाले नू फड़ा दे ओ बच्ची दी मां बच्ची तेरी बाजा वाले अमृत छकाता तेरा बनाता है तेरी मोर इस बच्ची ते लग गई कि ए तेरी पुत्री है ए तेरी धी है हाउ पूत तेरा तू बाप तेरा हुण तू इहदा बाप है वर्तना पैना पैना वर्तन एक भरोसा एक आस साडियां आसां जी इहदे ते ओहदे ते फिर जदों ओह अगों नहीं वरतदा आस टुटदी बंदा दुखी क्यों होंदा दस बंदे दे दुखी होण दा कारण की है जिहदे तों मैं आसां रखियां जदों ओह मेरी आस ते पूरा नहीं उतरिया मन मिटाओ इत्थे दुख इत्थे दुख फिर मन मिटाओ फिर सत्संग बोल चल बंद जीना मरना बंद क्यों आस रखी है जी जे मेरा प्यो एडा वड्डा मैं प्यो को ना मंगा मैं दूजे तीजे को क्यों आस रखा मैं क्यों रिश्तेदारियां से आस रखा क्यों मैं क्यों मित्रा दोस्तरा से आस रखा वर्तना है विचरना है पर एक आस जड़ी साईं ओ आस च इना भरोसा होवे इना भरोसा होवे कि साध संगत गुरु नू भी फिक्र पै जावे इन्हें मेरे ते आस रखी है इनू निराश नहीं करना एदी आस ते अपनी खुशी दी मोर लानी आ खो सतना सतगुरु नू भी फिक्र पै जावे एदी आस नू निराश नहीं एदी आस ते खुशी दी मोर लानी घर वाली ने बार बार कहना साईं जी कुछ सोचो कुछ देखो भगवान ने क्यों फिक्र कर दी गुरु नू फिक्र है जिन्हां दा नाम जपदे आ जिन्हां दे चरणां नाल जुड़े आ तू ना फिक्र कर उन्नू फिक्र है चिंता तिस ही है आखो सतना चिंता तिस ही है एक दिन बैठे सी जी वो पूरा परिवार भाई हरिया जी की घर वाली आके कह लगी कहिंदे जी मैनू एक ख्याल सुझिया जे आप जी प्रवानगी दिओ भाई हरिया जी कहिंदे दसो कहिंदे देखो इस घर च खाण लई कुछ नहीं बच्ची भी साडे नाल पीसी जा रही है एक डंग खांदी है दूजा डंग साडे नाल भुखा सौंदी कहिंदे क्यों ना होवे किसी कोलों उधारा फड़ लईए उधार फड़ के बच्ची का विआह कर दईए घट्टो घट जिस घर च जाएगी रोटी तां चज दी खाएगी आ को सतना इन्ना मतलब माड़ी हालत सी कहिंदे घट्टो घट रोटी तां चज दी खाएगी उधार फड़ लई कहिण लगा भगवान ने कोई उधार नहीं फड़ना कोई उधार नहीं फड़ना सतगुर कृपा करनगे सतगुर बख्शिश कर और गुरु दे भरोसे ते बैठ गए गुरु दे भरोसे जदों कोई सिख गुरु दे भरोसे ते टिक जावे सकल द्वार को छाड़ के गेहो तुहारो बहे गहे की लाज अस गोबिंद जदों कोई बंदा आ कह दिंदा है कि साइया हुण तेरा तेरे भरोसे ते बह गया साम फिर ओनू फिक्र पैनी शुरू हो जाती है आस परोसा खसम का नानक के जिये रे आस परोसा खसम का नानक के जिये रे आस परोसा खसम का नानक के जिये रे नानक के जियरे नानक के जियरे नानक के जियरे नानक के जियरे आस परोसा खसम का नानक के जियरे आस परोसा खसम का नानक के जियरे हक
ਔਖੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਖੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਤਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਦਿਖਾਏ, ਉਧਰ ਚੱਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰੀਆ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੱਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਸ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਸ਼ਿਕਵੇ ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਔਰ ਬਾਤ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਦੇਰ ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹ ਗਾਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਾਸੰਗ ਸਾਡਾ ਡਿੱਗਦਾ ਡੋਲਦਾ ਮਨ ਨਾ ਅਕੀਦੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਦੇਖੋ ਢਿੱਡ ਲੱਗਾ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਪਰ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅੱਤ, ਉਧਰ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਠ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੇਠ ਆਇਆ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਅਨਾਜ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘਿਓ ਖੰਡ ਸ਼ੱਕਰ ਆਟਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋਏ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਚੁੱਕ ਇਹਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੌਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਗਤਾ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦਸ ਕੋਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰੀਆ, ਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰੀਆ, ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੇਠ ਜ
जाके बुआ खड़काया ते अंदरों आवाज आई दसो कौन सेठ कहते हरिया जी बुआ खोलो हुण भाई हरिया हैरान कि मेरा नाम कौन जानता है बुआ खोलिया और जब बुआ खोलिया सास संगत सामने सेठ इन्ना राशन चुकया भाई हरिया जी खंडूर साहब तो आया सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज ने यह सारा समगरी यह सारी समगरी यह सारा समान आप जी वास्ते भेजा है आखो सतनाम एक गुण सिखियो गुण है ये लेके आया इन्हें भेटा दिती चांदा तो यह कह सकता सी कि मैं सतगुरां नूं भेटा कीता ते सतगुरां ने तुहानूं ना अपना नाम किते नहीं कोई ना ओ ना जाने मेरा खंडूर साहब तो मैनू सतगुरां ने भेजिया आप जी ये राशन अंदर रखो सेठ जी ये सतगुरां ने भेजिया जी सतगुरां ने भेजिया मेरा नाम लेके भेजिया हां हरिया जी तुहाडा नाम लेके भेजिया ओए होए अखां छलक पई अखां छलक पईआं हे गरीब निवाज तुसीं एडा ध्यान करदे हो ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ और जेड़ा गुरु दे ध्यान च आ गया आए हाए जेड़ा गुरु दे ध्याने आ गया केड़ियां कमियां रह जाणगियां जी ए लोक सुखीए पर लोक सोहेले नानक हर प्रभ आपे मेले रखो समान भगवाने तैनू ना कहिंदा सी गुरु मेहर करनगे गुरु कृपा करनगे देख महीना छड साला बद्दी खांदी रह ए समान ता नहीं मुके इन्ना राशन भर दिता गुरु ने हुण उस सेठ नूं महसूस होया कि जिदे खातर सतगुरु जी ने मैनू इत्थे भेजे ए भाई हरिया जी इन्ने गुरु नूं प्यारे ने कि गुरु ने इन्नी तारीफ कीती वेखां तां सही ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੋਂ ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ ਪਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੰਨੀ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ आ कौन है जी मेरी धी ये तो व्याण जोगी है कोई साख नहीं देखिया सतगुरां ने कृपा करनी है सतगुरां ने मेहर करनी आपे तोरणगे आखो सतनाम जेड़ी गल होवे सतगुरु जी करनगे सतगुरां ने मकान दिता सतगुरां की बख्शिश दे नाल हो रहा सतगुरु जी की कृपा है इदां इदां दी गल बच्ची का विआह सतगुरु जी की बख्शिश दे नाल होएगा हर हर गल ते सतगुरु जी हर गल ते सतगुरु जी हर गल ते ओ किवें ना फिक्र पएगी सतगुरु जी नूं किवें ना फिक्र पएगी सतगुरु जी नूं जे सिख हर गल च सतगुरु जी नूं विच पावे ओ किवें ना फिक्र पएगी सतगुरु जी जदों सारा समान अंदर रखिया सेठ बाहर निकलिया वधाईगी दित्ती भाई हरिया जी ने बुआ बंद कर ले सेठ अगे गया जो अगे गया बुआ बंद हो गया हूँ वापस आया ते 500 रुपये की थैली थैली 500 रुपये से 500 रुपये की थैली बन्नी हुई सास ने चुक के ओदे घर सुट दिती आखो सतनाम चुक के ओदे घर सुट दिती ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ
हुण जदों सासन अमृत वेला होया परिवार अमृत वेले जागण वाला सी अमृत वेला इशनान करके जदों सासंगत हरिया बार आके इशनान करके तुरन लगे ते पैर च ठुटा छन छन दी आवाज जदों आई इन्हां दे सासंगत मोर सिक्के सन हुण जदों चुकिया वो थैली चुकी ते खोल के वेखिया ते रुपये पैसे जदों अंदर आके देखिया कटवाली नूं दिखाया गिणे 500 रुपये 500 उस वेले 500 सासंगत मतलब कीमत रखता सी 500 कहते 500 रुपया हैरान परेशान एक बंदा माया देखता है खुशी दे नाल झूम पैंदा ना कि इन्नी माया मिल गई इन्नी माया मिल गई यह परेशान यह कित्थों आई यह साडी नहीं यह कित्थों फिर दिमाग ते जोर पाया ओ होवे ना होवे यह सेठ दी होएगी सेठ इतने आया सी उदी ये थैली गिर गई होनी है ते ए उदी अमानत है भगवान ने नित नेम भुगता के असी दिन नहीं चढ़न देना इशनान कीता नित नेम भुगता के कहिंदे दिन नहीं चढ़न देना अमृत वेले ही तुर पैना है दिन चढ़े चढ़े ते ही खंडूर साहब पहुंच जाना है ते खंडूर साहब पहुंच के सतगुरां दे चरणा च ये थैली रख देंगे पातशाह सानू उस सेठ का पता नहीं पता कौन सी सेठ कितों आया सानू नहीं उन्हें कहा सी खंडूर साहब तो सतगुरु जी ने भेजे पाशा तुहानू पता होएगा वो सेठ की थैली रह गई कहिंदे इदां जाके सतगुरु जी के चरणा च थैली रख दिया परिवार ने मता पकाया कहिंदे नाले सतगुरां दे दर्शन कर आवांगे नाले शुकराने कर आवांगे इन्ना घर भर दिता तुसीं नितनेम भुगताया अमृत वेले का समा ही है नितनेम भुगता दिन नहीं चढ़न दिता वो थैली चक्की चले गए पातशाह दीवान सजा के बैठे दीवान की समाप्ति हुई जदों सात संगत दीवान की समाप्ति भाई हरिया जी सामने आए सामने गुरु अंगद साहब बैठे आए हाय तन मन होए निहाल जांगुर देखा तन मन होए निहाल जांगुर देखा निहाल पच्ची आए पच्ची आके सात संगत चरण पाए अखां च अथरू निकली जा रहे ने साईं ने प्यार किया मोटे तो पकड़ के चुके भाई हरिया जी किवें आए सतगुरु जी आप जी का धन्यवाद करन पाए तुहाडियां देणियां नहीं दे सकते गरीब निवाज तुसी अपने सेवकां दी लाज रखते इन्ना कुछ भेज दिता इन्ना कुछ कर दिता कहिंदे हरिया हर शब्द बाद तू साडा नाम लै लैन सतगुर करनगे सतगुर कर फिर साडा भी तां फर्ज बणदा सी कहिंदे पातशाह तुहाडियां मेहरां थैली कढ़ी किसे चों ते थैली अगे रख दिती साहिब कहण लगे ए की है कहिंदे महाराज वो जिहड़ा कल सेठ आया सी उहदा 500 रुपया साडे घर डिग गया बहुत वड्डी रकम है सतगुरु जी वो बेचारा परेशान होएगा एड्डी वड्डी रकम उहदे तो निकल गई विछड़ गई एड्डी वड्डी रकम ते वो तो बहुत दुखी होएगा पातशाह कृपा करो आप जी नूं पता होएगा वो सेठ कित्थे रहिंदा है उत्थे तक पहुंचा दे ये पूरी 500 है असीं इहदे चों 1 रुपया नहीं कढे भाई हरिया जी ये माया तुहाडी है आखो सतनाम भाई हरिया जी ये माया तुहाडी है पातशाह साडी नहीं उत्थे सेठ दी कहिंदे हरिया जी उस सेठ दे मन विच असी पाया दया पाई उन्नू तुहाडा घर बार दिखाया तुहाडे घर दी माली हालत दिखाई ते उहदे अंदरों वरत के ये 500 रुपया उहदे राही तुहाडे तक पहुंचाया है आखो सतनाम हुण उस सेठ दा नहीं ये तुहाडा है ते भाई हरिया जी की कहिंदे सो
सास जदों मैं पढ़ी ना गल गुरु प्यार दे सीस चुक धन गुरु अंगद साहब कहन लगे भाई हरिया जी की कहिंदे ए बच्ची गुरु साहब दी आपे गुरु साहब करनगे कारज आखो सतनाम कहिंदे हरिया मैं अपनी बच्ची वास्ते धन भेजिया अपनी बच्ची वास्ते धन भेजिया करो एदा व्याह करो एदा आनंद कारज नूं तोरो आखो सतनाम खुशियां तुहाडे घर नचदियां आ रही है खुशियां तुहाडे घर नचदियां आ रही है ए माया तुहाडी है जे तुसीं गया ना बच्ची साडी ते फिकर सानू सी सानू फिकर सी इस बच्ची दी कहिंदे भाई हरिया जी हुण सोचण दी लोड़ नहीं करो इहदा विआह और शानो शौकत नाल करो आखो सतनाम आस भरोसा खसम का नानक के जिए रे आस भरोसा खसम का नानक के जिए रे ओ आस भरोसा खसम का नानक के जिए रे तुसी भरोसे च बैठ गए जदों तुसी गुरु की आस च बैठ गए गुरु केड़ी बिद नाल तुहाडे तक मदद पहुंचाण केड़ी बिद दे नाल तुहाडा काम करन तुसी सोच भी नहीं सकोगे आखो सतनाम तुसी सोच भी नहीं सकोगे केड़ी बिद दे नाल सतगुर कारज कर देना उम्मीद भी नहीं होएगी जिथों सतसंग वो बूए तुहाडे लई खुल जाणगे जदों तुसी सतगुर लई समर्पित होवो सतगुर आस भरोसा खसम का नानक के शाहजहानपुर महापुरख हुण चोला बदल गए ना बाबा सुखदेव सिंह जी शाहजहानपुर वाले बड़ी कमाई सी महापुरख और गुरु ग्रंथ साहब लई जिवें सब कुछ मतलब जिवें बड़िया कमाइया उन्होंने इतिहास चो जिक्र मिलता जो उन्होंने सारा जीवनी है उन्नीस सौ इक्यासी बयासी की गल इक्यासी बयासी उस पासे सत्संग तराई एरिया अतवादियों का बड़ा जोर से बच्चों नौजवान मुंडियां बच्चों सत्संग माया दे के अतवादी ले जाते उन्होंने पढ़ाई पढ़ा के अतवाद लई प्रेरणा देंदे बहुत ज़्यादा जोर से अतवादियों उस एरिए ते एक दिन उन्होंने जिहड़े जिक्र च लिखिया उत्थे दा डी आई जी लाओ लश्कर लैके सत्संग उन्होंने स्थान पर आ पूरा लाओ लश्कर लैके जदों स्थान पर आया महापुरख स्थान से ही सके आया महापुरखों को अदब के नाल नमस्कार की कोल बैठ गया तो अपने पुलसीए अंदाज के महापुरखों सवाल जवाब कर लगा कहते जी महापुरखो भी थानू पता कि अतवाद का इतने समा चलता पे महापुरख कहते बिल्कुल कहते बड़ा खुला पैसा वंडिया जा रहा बड़े खुले हथियार वंडे जा रहे कहते जी बिल्कुल ठीक कहते जी तुहाडे बड़े गुरद्वारे तुहाडे बड़े गुरद्वारे बनते जा रहे ने तुहाडियां सेवावां बड़िया चल रही तो दसोगे तुहानू ये माया कित्थों आ रही तुहानू ये माया कित्थों महापुर कहन लगे डी आई जी खुल के गल करो की कहना चाहते हो गोलमोल जीयां गल्लां नहीं खुल के गल करो कहिंदे जी खुल के फिर तुहानू पुछ रहे हां कि इन्ने तुहाडे कारज चल रहे ने इन्नी माया तुहाडे कोल आ कित्थों रही इन्नी माया इन्नी तुहाडी माया है जिथे देखो कम चल रहा बिल्डिंग का लंगर का एदा ओदा
वो कहन लगे महापुर कहन लगे कहते डी आई जी गुरु नानक की संगत किसी थान से कमी नहीं रहन देंदी। ये गुरु नानक की संगत की कृपा है, गुरु नानक की कृपा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कृपा है कि सारे पासे गुरु पूरी पा रहे। कहिंदा परमाओ दा कहिंदा मैं डी आई जी रैंक दा ये गल्लां मैनू ना सुनाओ, मैनू परमाओ ना, मैनू दसो सानू शक है। कहिंदा मैं सीधी गल करन लगा, मैनू शक है, सानू शक है कि कोई मशीन नोट छापण वाली तुहाडे कोल हैगी आ। सतनाम सुणियो, कहिंदे नोट छापण वाली कोई मशीन। महापुरख बड़े हसे, ताड़ी मार मार के हसे। कहिंदा डी आई जी साहब तुहानू किवें पता लग गया, तुहानू किवें पता लग गया साडे कोल नोट छापण वाली मशीन। कहिंदा हाँ आ गई ना, गल निकलिया ना साडा शक सही। किथे आ मशीन विखाओ, किथे आ मशीन विखाओ। महापुर कहन लगे डी आई जी साहब मशीन भी तुहानू जरूर विखावांगे, ये गुरु नानक दा घर है, पहले लंगर छको। आप जी लंगर छको, कहिंदे जी लंगर इत्थे ही है, मैं भी इत्थे ही। पहले मशीन के दर्शन कराओ सानू जिस कारज लई आए हैं, पहले मशीन के दर्शन कराओ फिर लंगर छकांगे। कहिंदे चंगा, असी दरबार च जा रहे हैं, आ जोड़े ला के जराबा ला के पैर धो के दरबार च आ जाओ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दरबार। उत्थे मशीन रखी है, कहिंदे तुसी हाथ पैर धो के उत्थे आ जाओ, तुहानू मशीन के दर्शन कराने। पांच सत अपने शरीर नाल होर लियायो, जिहड़े तुहाडे पुलिस रैंक दे पुलिसी है, पांच सत होर बंदे नाल लियाओ, हाथ पैर धो के श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के कोल आके खड़े हो। डी आई जी इधर कहिंदे जी मशीन कित्थे है, मशीन कित्थे, ते इशारा कीता गुरु ग्रंथ साहब महाराज वल, कहिंदे आ है साडी नोट छापण दी मशीन। अगो सतना कहिंदे आ है साडे नोट छापण दी मशीन। वो तो सत्ती पैरी उहनूं अग लग गई, कहिंदा मेरे नाल मजाक करदे हो, पता है मैं कौन। डी आई जी रैंक को छोटा रैंक दे, कहना मेरे ना मजाक कर दे। कहना डी आई जी मजाक नहीं कीता, सच जदों सानू लोड़ होंदी है, जदों और जिन्नी लोड़ होंदी है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज अगे बेनती लाई दी है, महाराज फलाने कारज लई इन्नी माया दी लोड़ है, अपने सिंघां नू कही दा गोलक खोलो, उन्नी ही माया गोलक तो निकलती है। को सतनाम हराणी दी उन्नी माया। कहिंदा मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा इस चीज ते। कहिंदे सत बचन सारी गोलक खाली कराई, कहिंदे तुहाडे बंदे खाली करन, गोलक खाली कीती। सतसंग चंगी तरीके नाल वेखो, वेख लिया अरदास कीती गल च पल्ला पा के, हे गरीब निवाज कृपा करो, तुहाडियां सेवावां चल रही हैं गरीब निवाज, तुहाडे कारज ना रुकण, वो कारजां वास्ते माया दी लोड़ है, करो कृपा मारो। थोड़ी देर उत्थे बह के जाप कीता, सिमरन कीता, बाणी दा पहरा लाया, सारे शरीर बह गए, डी आई जी सारे अरदास करन तो बाद बाणी दा पहरा, बेनती है जोधड़ियां तो बाद सासन जो अरदासा, डी आई जी साहब हुण तुहाडे बंदे ही गोलक खोलण। आखो सतनाम, जदों गोलक खोली तो सासन माया दे अंबार लगे हुए ने, माया दे अंबार। सत श्री अकाल। डी आई जी हैरान परेशान, एक तां हो सकदा है असी गोलक खाली कीती अरदास ते बाणी पढ़न तो बाद गोलक किवें भर। कहते तुसी कहिंदे सी ना नोट छापण वाली मशीन दे दर्शन करने, आकर डी आई जी दर्शन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे, साडे नोट छापण दी मशीन आ है। आखो सतनाम, उत्थे ही सत्संग डी आई जी चरणा ते डिगया। कहिंदे जी मैनू नहीं पता सी, मैनू नहीं पता सी कि तुहाडी इन्नी अजमत है। कहिंदे डी आई जी ओए ए पाप मेरे सिर ते ना चढ़ा,
डिगना ही सतगुरों के चरणों से डिग, जिन्हों के चरणों से डिग के मैं भी बरकत प्राप्त करता वा। आखो सतनाम, मैं भी इन्हों के चरणों से डिग के वो इन्हों ते ही आस साड़ी, इन्हों ते ही भरोसा साड़ा। कोई चीज चाहिए है सानू, असी भरोसा टक के गुरु के चरणों से अरदास कर दें, फिर गुरु भरोसे की लाज रखते ने, गुरु अकीदे की लाज रखते ने, गुरु डी आई जी पिठ नहीं लगन दें दे, अपने भरोसे की लाज रखते ने। आखो सतना आस भरोसा खसम का ना टक के दिए रे, आस भरोसा खसम का नानक के दिए रे, 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 आस भरोसा खसम का नानक के दिए रे, आस भरोसा खसम का नानक के दिए रे, कसम का नानक के दिए रे, आस भरोसा कसम का नानक के दिए रे। अखीर दे विच मैं आ बेनती करांगा हाथ बन के, जे अज भरोसे की गल सुनी, जे एक आस की गल सुनी, ते साध संगत अज इस दीवान दे विचों पक्की एक आस ते पक्का अकीदा दृढ़ करके लेके जाइए। पातशाह कहिंदे तेरा एक नाम तारे संसार, अगली पंक्ति पढ़ो, कहिंदे मैं एहा आस एहो आधार, ये तेरा नाम मेरी आस, मेरिया सारिया आसा नाम के उपर, मेरिया सारिया आसा गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के उपर, मेरिया सारिया आसा गुरु नानक साहब बाजा वाले के उपर, मैं दूजे तीजे ते आस क्यों रखा जी। इन्ने पक्के होके तुरो सास, जे किसी कारण करके कोई दात नहीं मिली ना, डर ना छड़िया करो सिख, डर ना छड़े, काला ना पवे, हंकार ना करे सिख, डर ना छड़े, काला ना पवे, हंकार कदे खाली नहीं जाए। असी चीज मंगी, बाणी दा पहरा लाया, नितनेम कीता, अमृत वेले जाके नहीं वो चीज मिली, दो चीजा हो सकदियां, दो कारण, या वो शह तेरे लिए नुकसान होएगी, नुकसानदेही होएगी, तां सतगुरु जी नहीं देना चाहते, या उस तो ज्यादा देना चाहते ने, इन्हें घट दे विच तेरा गुजारा नहीं, तेनू वद देंगे तां तेनू चीज नहीं दिती। आखो सतना सच 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 अकाल। कोई शह मान लो, हुण बच्चा अग मंगदा पे, अग नू हथ पाना चाहता, अग नू हथ पाना चाहता, कि मां उन्हू पा देगी, आण देगी नहीं, हो सकता जिहड़ी चीज असी मंग रहे होई साडे लई अग होवे, अज सानू लग रहा कि साडे फायदे की चीज है, पर नहीं, वो अग होएगी, क्यों गुरु देणगे जी, तुहाडे नेम कीता, तुहाडी बंदगी कीती, ते उहदा सिला यह होएगा कि तुहानू अग देण, नहीं, तुहाडे लई भला सोचिया गुरु ने, तू कुछ सफर तो कर भरोसे का, तू कुछ अकीदे का सफर तो कर ओए प्यारिया, थोड़ा सफर करता सही, देख अगे जाके गुरु तेरे वास्ते की लैके खड़े ने उस सफर दे विच। आखो सतना आस भरोसा खसम का नानक के दिए रे, आस भरोसा खसम का नानक के दिए रे, ओ आस भरोसा
कसम का नानक के दिए रे। आज भरोसा कसम का नानक के दिए रे, नानक के दिए रे, नानक के दिए रे, नानक के दिए रे।